ये हमारा कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इन लोगों का सैम्बल होता है। तो मंडे का जो सैम्बल हो जाएगा वो वन हो जाएगा, वन होता है, और ट्यूसडे टू, मंडे से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे थ्री हो जाएगा, फोर, फाइव, सिक्स, और ये हमारा जीरो हो जाता है, या फिर हम सेवन बोल सकते हैं इसको, तो जीरो हो जाता है, ठीक है। देन फिर क्या होता है, देखिए ये हमारा डेज का हो गया, ठीक है। देन हमारा मंथ्स का भी होता है सैम्बॉल, तो मंथ्स का जो सैम्बॉल हो जाता है वो क्या होता है, देखिए मंथ्स का सैम्बॉल जैसे जनवरी, जनवरी का जीरो हो जाता है, फरवरी का क्या हो जाता है कि थ्री, मार्च का भी थ्री होता है, देन ये हमारा सिक्स, वन, फोर, और फिर से हमारा सिक्स हो जाता है, ठीक है। देन फिर ये क्या होता है, अगस्त के लिए टू होता है, और सेप्टेम्बर के लिए क्या होता है, फाइव, और ये हमारा जीरो, थ्री एंड देन फाइव। अब देखिए वन वीक में कितने डेज होते हैं, वन वीक में सेवन डेज होते हैं, सभी को पता है सेवन डेज, ठीक है। और लीप ईयर को क्या करते हैं, कुछ ऐसा फैक्ट है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम इजीली कैलेंडर से क्वेश्चन जो भी रिलेटेड होता है सारा क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो देखिए वन वीक में सेवन डेज होता है, ठीक है। एंड लीप ईयर हम कैसे पहचानते हैं, फोर से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर हम पहचानते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। और एक बात, और एक बात क्या है कि अगर हम 2000 से पहले का ईयर हम ले, ठीक है, मीन्स 1999 तक ले, ठीक, 1999 तक अगर हम ले, तो उसको क्या करेंगे कि लेंगे तो हम टू डिजिट को लेंगे, ये लास्ट टू डिजिट को लेंगे। अगर 2000 के बाद से, अगर 2000 से हम ले लें, ठीक है, इससे पहले का ईयर हम लिए 1999 तक, अगर हम 2000 से ले लें तो इसको, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि 1900 से हमें माइनस करना पड़ता है। इसमें हम 1900 माइनस करेंगे, फिर जो हमारा आएगा आंसर वो हम लेंगे। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा 100 हो जाएगा, तो हम 100 लेंगे। ये हमारा फैक्ट होता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्यों ज़रूरत पड़ता है, इसका, इस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है ये हमारा क्या कि जैसे था हमारा 15th अगस्त, ठीक है, 15th अगस्त पता है सभी को क्या, 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये हमारा कौन सा दिन था, 15th अगस्त को कौन सा दिन था, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। जैसे 15th है हमारा, तो 15th रहेगा अगस्त, अगस्त के लिए जो सैम्बल था यहाँ पे देखिए टू था, ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त के लिए टू था, तो ये सैम्बल हमारा टू हो जाएगा। अब देखते हैं कि 2000 से पहले का सैम, ये 2000 पहले का है, 2000 से पहले ईयर का, तो हम 47 जो लास्ट टू डिजिट है वो 47 लिखेंगे। देन फिर क्या करेंगे कि प्लस करेंगे और इस 47 को हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर हो या ना हो लेकिन 4 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 47, देखिए यहाँ पे 47 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स में जा रहा है और फिर 1 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। अगर 8 रहता तो 2 टाइम्स हो जाता, तो ये 11 जो 1 टाइम्स आ रहा है, जो बच गया रिमाइंडर उसको हम छोड़ देंगे, देखिए जा कितने बार में रहा है, ठीक है, तो 11 बार में, तो 11 हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइड में हमारा 7 हो जाएगा, फिर हम प्लस करके देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, देन डिवाइड करेंगे 7 से। ये देखिए दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं ऐसे होगा, तो टोटल हम अगर हम एडिंग करें तो कितना आ रहा है, देखिए 75/7 आ रहा है, 40, 50, 60, और दिस 70 एंड देन 5, 75/7, तो फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स में जा रहा है और ये 5 हमारा बच जा रहा है, तो 5/7, तो हमारा जो आंसर होगा वो रिमाइंडर जो बचा ना हमारा 5, ये हमारा 5 बचा, तो 5 किसका सैम्बल था, आप लोगों को पता है कि 5 फ्राइडे का सैम्बल था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा 5 है, तो 5 किसका है, फ्राइडे का सैम्बल है, तो ये हमारा 5 जो है ये हमारा फ्राइडे था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे था, ये ऐसे निकलता है इसका आंसर, बहुत इजी था, देख सकते हैं आप लोग निकाल लिए, बहुत इजी। देन फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, तो दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है कि 26 जनवरी 1950 विच डे, 1950 में जो 26 जनवरी था वो कौन सा दिन था, रिपब्लिक डे के रूप में इसी दिन लागू हुआ था, ठीक है, हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था, तो रिपब्लिक डे हम इस दिन मनाते हैं 26 जनवरी को। तो देखिए डे कैसे निकलेगा, जैसे कि इससे पहले 15 अगस्त निकाल चुके थे, 26 जनवरी को भी देख लेते हैं, तो 26 प्लस होगा 26, देन प्लस क्या, जनवरी, जनवरी के लिए क्या था हमारा, जीरो था, देन फिर प्लस करेंगे क्या, देखिए 2000 से
पहले का ईयर है, तो मतलब 50 यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 4 होगा 10, और 2 बार 12 बार में जाएगा, देन डिवाइड करेंगे 7, फिर क्या होगा पूरा एडिंग करेंगे तो कितना आ रहा है 50 70 और 80, दिस इज 90, 50 70 80 एंड 88, सॉरी 88 आ रहा है, 88 बाई 7। देन फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड करना है 7 से, तो 1 टाइम्स में 7 हो जाएगा और 18, 7 × 2 = 14, तो 4 बच रहा है यहाँ पे 7, तो ये जो 4 है वही हमारा आंसर है। तो 4 किसके लिए था, ये थर्सडे के लिए था, तो थर्सडे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, थर्सडे हमारा आंसर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे किस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि इफ़, क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ टुडे इज मंडे है, ठीक है, अगर आज हमारा मंडे है तो व्हाट डे आफ्टर कितना 72 डेज, तो 72 डेज के बाद कौन सा डे होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा 72 दिया हुआ है और डिवाइड सिंपली क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम्स में चला गया तो ये हमारा 2/7 हो गया, तो ये जो 2 हो गया हमारा तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है तो मंडे के बाद 2 दिन और प्लस करेंगे, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेंसडे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक देख लेते हैं कि 2000 के बाद वाला जो ईयर होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है ये कि 22 मार्च 2020 विच डे, मीन्स इस दिन फर्स्ट हमारा लॉकडाउन लगा था, ठीक, तो ये कौन सा दिन था, तो ये सभी को पता होगा कि कौन सा दिन था, अगर नहीं है तो फिर निकाल सकते हैं इसको इजीली। कैसे निकलेगा, जैसे 22 लिखेंगे प्लस मार्च के लिए क्या था 033, तो 3 था तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए ये 2000 के बाद वाला ईयर है, मींस क्या होगा कि 2020 में हम क्या 1900 हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जा रहा है 0 to 120 हो जा रहा है, और 120 को फिर हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो देखिए 120, तो 120 प्लस लिखेंगे, देन प्लस क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसी को करना है डिवाइड, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, देन डिवाइड में ये हमारा 7 हो गया, ये हो गया, देन सारे को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो टोटल जो हमारा काउंटिंग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 175/7, देन फिर ये डिवाइड में होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 14 हो जाएगा, तो 35/5, देखिए 25 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और मीन्स क्या बच गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया, तो 0 जो होता है वो किसका होता है, ये हमारा संडे का होता है सिंबल, तो ये उस दिन था हमारा संडे जो हम थाली बजाए थे, हमारा संडे था, जैसे देख सकते हैं 0 किसका सिंबल होता है, संडे का सिंबल होता है, तो 0 संडे का सिंबल हो गया। मार्च किसका था, देखिए मार्च का 3 था, ठीक है, जनवरी का 0 था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सब इजी है, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा बस, और ये थोड़ा सा ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इजीली बन जाएगा, कोई भी दिन आप निकाल सकते हैं इजीली।